इस वक्त मेरे हाथ में है ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त का फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। चलिए बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। अकाउंट ओपन करने का पहला पेज कुछ इस तरीके का होता है। ऊपर का इतना हिस्सा आपको कुछ फिल नहीं करना है, आपको यहाँ से भरना स्टार्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको खाते का प्रकार लिखना है कि आप किस तरीके का खाता खोलना चाहते हैं। तो यहाँ हम आपको बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट खोलना सिखा रहे हैं, तो आप इस पे ऐसे टिक कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, तो जल्दी से मैं जो डेट है वो लिख देता हूँ। लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपनी ब्रांच का नाम लिखना है। देन यहाँ फिर से आपकी ब्रांच का नाम लिखना है। देन आपको लिखना है बचत खाता, और यहाँ आपको लिखना है कितने रुपए से आप खाता खुलवाएंगे। यहाँ मैं 1000 रुपए से खाता खुलवाऊंगा, आप चाहें तो 500 रुपए से भी खुलवा सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना होगा कैपिटल लेटर्स में। देन अगर आपका नाम कुछ इस तरीके से है शुभम सेंगर, तो आपको शुभम यहां लिखना है और सेंगर लिखना होगा सरनेम वाले हिस्से में। ओके, देन आपको यहां पे अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा 10 अंकों का। इसके बाद अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आपको यहां टिक कर देना है व्यक्तिगत चेकबुक चाहिए। देन आपको दूसरे पेज पर आ जाना है। दूसरे पेज पे आ जाना है। दूसरे पेज पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये उन्हें भरना है अगर कोई माइनर है नाबालिग है उसको भरना होता है। देन आपको तीसरे पन्ने पे आ जाना है। अब तीसरे पन्ने पे भी आपको कुछ नहीं भरना है, हम यहाँ पे आपको सिंगल अकाउंट ओपन करना सिखा रहे हैं, सेविंग अकाउंट, सिंगल सेविंग अकाउंट। अगर किसी का दो लोगों का अकाउंट होता है ज्वाइंट तो उनको ये फॉर्म भरना होता है, इसलिए हम चलते हैं पांचवें पेज पर। अब यहाँ पे आपको अपना एक फोटो लगाना है, फोटो लगाने के बाद सिग्नेचर कर देना है। जैसे आप फोटो और सिग्नेचर लगा देंगे देन आपको नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे आपको अपने साइन करने होंगे, इसके बाद आपको अगले पेज पर आ जाना है। इस पेज को आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे जो साइन होंगे वो NRI कस्टमर्स के होते हैं जो कि देश से बाहर रहते हैं। एंड अब आ जाता है नॉमिनेशन यानी नामांकन। आप अपने खाते में जिसे भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उसकी डिटेल है यहाँ फिल कर सकते हैं। तो आपको अपेक्षित यस रिक्वायर्ड पे टिक कर देना है। देन उसके बाद उस आदमी का नाम लिखना है जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं और उसका एड्रेस आपको भरना होगा और उससे आपका क्या संबंध है, उसकी आयु कितनी है ये आपको भरना होगा। यहाँ पे आपको अपने साइन करने होंगे और इस फॉर्म का जो नीचे का हिस्सा है वो बैंक आपको दे देगी। चलते हैं अगले पेज पर। ये वाला जो हिस्सा है वो आपको फिल नहीं करना है और ये है फटका फॉर्म, ये आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको निवासी व्यक्तिगत पे टिक कर देना है। देन यहाँ पे टिक कर देना है, अपना नाम लिखना है, और जन्म का देश आपको भर देना है और जन्म का शहर आपको भर देना है। इतना करने के बाद आपको अगले पेज पर आ जाना है और यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं। अब इस फॉर्म में आपको कुछ भी नहीं भरना है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप आधार नंबर सीड कराना चाहते हो खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी जो सरकार फ्री में पैसा देती है उसके लिए, तो आपको ये वाला पेज फिल करना है। यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है, बैंक तो आर्यावर्त है ही है। देन अपना यहाँ नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ आपको अपना साइन करना है।
देन आपको नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। ये पेज आपको नहीं फिल करना है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको आ जाना है सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री यानी केवाईसी फॉर्म पर। इसमें आपको अपना यहां पर नाम लिखना होगा, खाते का प्रकार सामान्य, सिंप्लीफाइड, लघु, तो सामान्य पे आपको टिक कर देना है। देन आपको अपना जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, माता का नाम, पिता का नाम, अपना एक फोटो लगाना होगा और आप कहाँ जॉब करते हैं वो सारा चूज करना होगा। आप विद्यार्थी हैं तो स्टूडेंट पे टिक कर दीजिएगा। आपको अपना जन्म स्थान लिखना होगा और आप में से इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आप पे होंगे वो आपको फिल करना होगा, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, अगर आप पे पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी दे सकते हैं, और आधार कार्ड हो गया, और उनकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ आपको फिल कर देनी है। अब अगले पेज पर आपको आ जाना है, यहाँ पर पते का प्रकार पूछेगा, आपका पता कैसा है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा आवासीय। देन पते का प्रमाण में आप क्या लगा रहे हैं, आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आधार कार्ड पे टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना पता लिखना होगा और यहाँ पे आपको फिर से अपना पता लिखना होगा। देन आपको यहाँ पर साइन करने होंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से आप ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त का फॉर्म भर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप पूरी प्रोसेस जान गए होंगे। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मैं आपकी वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।